गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अभी तक नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले बच्चों ये दोनों टेस्ट के बारे में पढ़ लें, क्वेश्चन सोल्व करके देख लें, ठीक है ना, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें। ठीक, अब देखिए, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमने डिस्कस किया था लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। लेकिन अभी तक हम लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और आज हम चेक करेंगे कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं, लेकिन इन क्लोज इंटरवल। क्लियर बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब कुछ बच्चों में ना कई बार एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एनसीईआरटी ही क्यों कराई जाती है, तो मैं सभी बच्चों को बता दूँ कि चाहे सीबीएसई बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, भिवानी बोर्ड, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से एनसीईआरटी की बुक्स ही जो है जो रिकमेंड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। बाकी पब्लिशर की बुक्स भी आप कर सकते हैं और ज़रूर करें, लेकिन एनसीईआरटी आप जरूर करें पहले, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में बच्चे क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन दिया गया है 2x³ - 15x² + 36x + 1, ठीक है ना। हमें बताना है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन क्लोज इंटरवल 1 to 5। ये क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टेप क्या करेंगे भाई, आप f डैश फाइंड आउट करेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, 6x² - 30x + 36। यहाँ लग सभी बच्चे चेक कर लें कि आपके पास f डैश x कितना आएगा, 6x² - 30x + 36। अब आप क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया था, वही काम आप करेंगे। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम ये हमारे पास 6x² - 30x + 36 = 0। 6 कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास बचेगा x² - 5x + 6 = 0। यहाँ से आपके पास बचेगा x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, जैसे x² - 3x - 2x + 6। हम क्या करते थे 10th क्लास में कि 6 और एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आएगा 6। तो हम -5 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर ये -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर +6 आए, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा x - 3। यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे, बचेगा x - 3 = 0। ये x - 3 × x - 2 = 0, क्लियर बात। और x आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो बच्चों आपके पास अब यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, 2 और 3, ठीक। ये सब कुछ वही था जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट हैं जैसे 2 और 3 आ गए, अब आप ये चेक करें कि क्या ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट इस गिवन क्लोज इंटरवल में आते हैं, क्या 1 और 5 के बीच में 2 और 3 आते हैं। बिल्कुल 1 और 5 के बीच में 2 और 3 भी आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे,
अब आपके लिए बहुत ही आसान काम होने वाला है। आप इस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की, कहां कहां फाइंड आउट करेंगे, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 5 पर। ठीक, मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों आपको हम क्या करने वाले हैं कि आपने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। अगर वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में आ रहे हैं तो आप उन दोनों पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और ये जो आपके पास 1 और 5 है इन पर भी आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक ठीक, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले हम f ऑफ 1 निकालते हैं, f ऑफ 1 पुट करो, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 इंटू 2 2 माइनस 15 प्लस 36 और प्लस 1। ठीक, 36 प्लस 1 37 प्लस 2 39, 39 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, 20, 15 का कितना बचा भाई, 24। तो f ऑफ 1 वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब आप निकालें f ऑफ 2, 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60 प्लस 72 प्लस 1। अब देखो भाई 72 में से 60 जाएंगे 12 प्लस 28 प्लस 1 29। ठीक है, अब आप निकालो f ऑफ 3, तो 2 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 135, यहाँ पर 3 इंटू 36 108 और प्लस ही 1। अब देखो 108 प्लस 1 109 और ये 163, 163 में से जब आप 135 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 28। अब हम करेंगे फाइंड आउट f ऑफ 5 पर, 5 का क्यूब 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी, 250 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 375 5 रखोगे, 5 को 36 से करोगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 1। अब देखो 250 प्लस 180 ये बनेगा आपका 430 प्लस 1 431, और 431 में से जब आप 75 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 25 यानी कि 56। ठीक है, अब देखो बच्चों आपने f ऑफ 1 पर वैल्यू निकाल ली, f ऑफ 2 पर वैल्यू निकाल ली, f ऑफ 3 पर भी वैल्यू निकाल ली और f ऑफ 5 पर भी वैल्यू निकाल ली। तो जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जैसे यहाँ पर 56 सबसे बड़ी वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 56, और सबसे कम वैल्यू क्या है आपके पास, 24, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 24। क्लियर, मैं एक बार दोबारा से ही आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है जी, और इस क्लोज इंटरवल में बतानी है आपको सिर्फ। ठीक, आपका सबसे पहला काम क्या है, आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब इन क्रिटिकल पॉइंट में से अगर ये दोनों के दो इस इंटरवल में आते हैं तो हम उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता था, मान लो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आते 2.6, क्या आते, 2.6, ठीक है, 2 और 6 आते हैं मान लो उस क्रिटिकल पॉइंट। अब 6 तो इस इंटरवल में नहीं आता, नहीं आता ना, क्योंकि 6 तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो आप सिर्फ 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कहाँ पर करोगे, 2 पर, और जो ये 1 और 5 दे रखे हैं इन पर तो आपको फाइंड आउट करनी ही करनी है वैल्यू। क्लियर बात, 1 और 5 पर तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी ही करनी है, क्रिटिकल पॉइंट में से जो क्रिटिकल पॉइंट इस क्लोज इंटरवल के बीच में आएंगे उन पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगी बात। तो ये था बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल। अब आप इसे नोट करें,
इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, हमें दिया गया है फंक्शन दिया गया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है बात। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, जीरो से पाई के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा जी, आप फाइंड आउट करोगे एफ डैश एक्स। ये आपके पास क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। फिर आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करोगे, ये आपके पास बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर आकर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करें, वैल्यू याद नहीं रहती, ठीक है। तो अब देखिए कोस एक्स और साइन एक्स इनकी वैल्यू इक्वल कहाँ होती है, तो बच्चों इनकी वैल्यू इक्वल होती है पाई बाय फोर पर, ठीक है, ये मतलब कि 45 डिग्री पर। तो अब आप, मैंने लिखा है यहाँ पर कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। अब सुनो क्यों, ओनली क्यों कहा मैंने, मैं लिखा एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल 0 टू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कोस और साइन की जो वैल्यूज हैं वो 2 पाई के बाद रिपीट करती हैं, किसके बाद, 2 पाई के बाद। अगर देखिए साइन आपको 45 डिग्री पर वैल्यू दे रहा है 1/√2, कितनी वैल्यू दे रहा है 1/√2। अब दोबारा ये 1/√2 कब देगा, जब आप इसमें 360 ऐड कर देंगे, यानी कि साइन 405 पर वैल्यू देगा आपको 1/√2, या कहें कि आफ्टर 2 पाई, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये सब 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, आपने बहुत अच्छे से किए होंगे नो डाउट, ठीक। तो अब जो पाई बाय 4 है वो तो इस इंटरवल में आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 4 कर दूँ तो बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, 9 पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक। और 9 पाई बाय 4 तो इसके बीच में नहीं आता, तो इसी कारण मैंने क्या लिखा कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, 0 पर चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू, पाई पर चेक करनी है और पाई बाय 4 पर चेक करनी है। जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पे वैल्यू सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 0, 0 पुट करो जी, तो साइन 0 प्लस कोस 0, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाय 4 पर चेक करते हैं, साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, ये 1/√2, ये भी 1/√2, ये आपके पास आ जाएगा 2/√2, और सोल्व करने पर 2/√2, क्लियर। अब हम चेक करेंगे जी एफ ऑफ पाई पर, तो साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन 180 कितना होता है 0, और कोस 180 कितना होता है -1, तो कितना आंसर आ गया -1। अब ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, रूट टू, क्योंकि 1.4 समथिंग होती है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, रूट टू, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये वाली नीचे ना, -1, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास एक और क्वेश्चन, जिसमें हम हाउ टू फाइंड, ये हमने किस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अलग तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी तक तो हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना, हमने आराम से सोल्व किया, काम खत्म। अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे
जिसमें हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले और फिर उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया गया है, हमें यहाँ पर पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर वैल्यूज अपनी जो है फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक। क्वेश्चन क्या है जी, कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। दो नंबर आपको बताने हैं जिनको ऐड करने पर तो 24 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा नंबर आ जाए, ठीक। अब बच्चों यहाँ से आपने 10th क्लास में चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही किया था ना, उसमें आपके पास ऐसे ही आता था कि दो नंबर का सम दिया गया है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, अब वहाँ से उसे फाइंड आउट करें। तो उस तरह से हम थोड़ा सा चलेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर इज 24 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने दो नंबर लिए, एक x और एक 24 माइनस एक्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक नंबर x ले लेते हैं और दूसरा नंबर ले लेते हैं y। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दो नंबर लिए हमने, एक x और एक 24 माइनस एक्स। अब हमें क्या कहा गया कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो लेट p ऑफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। तो p ऑफ x आपके पास क्या हो जाएगा, एक नंबर ये x और दूसरा 24 माइनस एक्स, ये आपके पास क्या बनेगा भाई, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो आपके पास फंक्शन बन गया भाई, अब 24x माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब आपने फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को आपने क्या करना है जी, आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अब देखो इसको आप कैसे भी सोल्व कर लो, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, दोनों में से जो आपको पसंद है उससे आप सोल्व कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पी डैश एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा जी 24 माइनस 2x, ठीक। अब आप क्या करोगे, पी डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करोगे, जीरो के। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो सोल्व करने पर x कितना आ जाएगा, 12। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ पी डबल डैश एक्स, ये रहा जी पी डैश एक्स, डबल डैश करने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस 2, ठीक। अब आप देखिए कि पी डबल डैश एक्स, इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे 12, तो भी कितना देगा, माइनस 2 देगा, लेस देन 0। अब बच्चों आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में किया था कि अगर p डबल डैश में सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो और वो लेस देन 0 आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर बात, कैसे वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने क्या चेक किया कि p डबल डैश x लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम।
तो x हमने क्या माना था, एक नंबर माना था, तो एक नंबर हमारे पास क्या आ गया, x। तो देयरफोर फर्स्ट नंबर इज 12 एंड अदर नंबर इज, दो दूसरा नंबर क्या होगा जी, 24 माइनस 12, वो भी कितना आ जाएगा 12। तो दोनों नंबर आपके पास क्या आ गए, 12 आ गए, ठीक है ना। अब देखो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24, और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा, 144, ठीक। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाला, ठीक, पहले दो क्वेश्चंस के अंदर। और अब थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि अगर हमें फंक्शन ना दिया हो, ठीक है, तो हम पहले फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद फंक्शन बनाने के बाद हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि हमें मैक्सिमम निकालना है या फिर हमें मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब लेक्चर किस तरह का लगा, अगर फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में, कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कोशिश की जाएगी कि उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।